कोरोना महामारी से जंग लड़ रहे नीमच जिला चिकित्सालय के डॉक्टर महेंद्र पाटिल का सोमवार की दोपहर में बंगला नंबर 8 पर 23 के रहवासियों ने दिल खोलकर स्वागत किया है। रहवासियों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मुंह पर मास्क लगाकर श्री पाटिल पर पुष्प वर्षा की है, ताली बजाई है व सम्मान स्वरूप सैल्यूट भी किया गया है। कोरोना योद्धा के सम्मान में बच्चे, युवा, बुजुर्ग व महिलाएं सभी अपने अपने घर के आगे खड़े हो गए। गौरतलब है कि डॉक्टर पाटिल व स्वास्थ्य अमला नागरिकों की स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए रात दिन एक किए हुए हैं। स्वास्थ्य अमले की सजगता के कारण ही नीमच जिला कोरोना जैसी महामारी से पूरी तरह से सुरक्षित है। स्थानीय लोगों का कहना है कि नागरिकों की प्राण रक्षा करने के लिए अपना जीवन दांव पर लगाने वाले चिकित्सक सम्मान के पात्र हैं। पत्रकार राघवेंद्र शर्मा, पवन शर्मा व प्रेस क्लब अध्यक्ष भूपेंद्र गौर बाबा ने बताया कि संकट की इस घड़ी में सरकारी डॉक्टर ही देवदूत है। आज यहाँ पर पाटिल साहब डॉक्टर साहब हैं, उन्होंने कोरोना में पूरे 24 घंटे अस्पताल में अपनी ड्यूटी दी और कोरोना से थोड़ा भी मुझको मुक्त किया। उसी उपलक्ष्य में उनका स्वागत आज हमारे बंगला नंबर 23 और बंगला नंबर 8 के द्वारा सभी व्यक्तियों के द्वारा किया गया। कोरोना में सेवा देने वाले डॉक्टर पाटिल साहब जो अपनी पूरी सेवा दिन रात लोगों को बचाने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए जो उन्होंने संघर्ष करा है और जो कर रहे हैं वो अविस्मरणीय हैं। और मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि उनको स्वच्छ रखे, स्वस्थ रखे और हमेशा जीवन में सबकी सेवाएं ऐसे ही देते रहे। नीमच से विक्रम सिंह सोनगिरा की रिपोर्ट।